नमस्कार, मेरा नाम हेमंत त्रिपाठी। वरुण धवन की शादी के बाद जिन सेलिब्रिटीज की शादी की अटकलें लगाई जा रही हैं, श्रद्धा कपूर उनमें से एक हैं। ऐसी अफवाह है कि श्रद्धा बहुत जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठ के साथ शादी कर लेंगी। हाल ही में वरुण धवन ने भी कुछ ऐसा ही हिंट दिया था, जिससे लग रहा था कि श्रद्धा भी बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। बता दें, बी टाउन में ऐसी खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं कि श्रद्धा रोहन श्रेष्ठ को डेट कर रही हैं और दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब श्रद्धा की शादी को लेकर उनके पिता शक्ति कपूर का रिएक्शन सामने आया है। आपको बताएंगे क्या सोचना है शक्ति कपूर का उनकी बेटी श्रद्धा की शादी को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। बता दें, रोहन ने वरुण और नताशा को उनकी शादी के लिए बधाई दी, जिस पर वरुण ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भी उम्मीद है कि रोहन भी अब शादी के लिए तैयार हैं। वरुण के इस रिस्पॉन्स के बाद श्रद्धा और रोहन की शादी की अटकलों को हवा मिली। श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए श्रद्धा की शादी को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वह हर एक कदम पर श्रद्धा के साथ खड़े हैं, चाहे वह शादी हो या श्रद्धा का कोई और कदम। रोहन ही क्यों, वह जिस किसी के साथ भी सेटल होना चाहती हैं, इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति ने आगे कहा, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, वह हमारे घर आता रहता है। उनके लिए श्रद्धा और रोहन बचपन के दोस्त हैं, वो नहीं जानते कि दोनों एक दूसरे को लेकर कितने सीरियस हैं। बातचीत के अंत में शक्ति कपूर ने कहीं ना कहीं यह साफ कर दिया कि फिलहाल श्रद्धा शादी नहीं करने वाली हैं। शक्ति ने कहा, फिलहाल श्रद्धा अपने फिल्मी करियर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत जल्द वह रणवीर कपूर के साथ एक मूवी करने वाली हैं। श्रद्धा को जब भी शादी करनी होगी, वो अपना पार्टनर खुद चुन लेंगी। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ। धन्यवाद।